मालदीव में राष्ट्रपति पद के चुनाव पर फिर एक बार अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। मालदीव के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर देश में शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा मतदान होना तय हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने आज चेतावनी दी है कि एक बार फिर देश में चुनाव कराने की सभी कोशिशें बेकार हो सकती हैं। दोबारा चुनाव के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दोनों दलों को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार करना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के उम्मीदवार अब्दुल्ला यामनी और जमहूरी पार्टी के प्रत्याशी गासिम इब्राहिम ने अंतिम मतदाता सूची में फिंगरप्रिंट का सत्यापन करने की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस ने कहा है कि वो मतदाता सूची पर प्रत्याशियों के हस्ताक्षर के बगैर चुनाव में सहयोग नहीं करेगी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि वो तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तभी करा सकेगा जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक मतदाता सूची पर हस्ताक्षर कर दें। इस बीच भारत ने मालदीव में पारदर्शी चुनाव की आशा जाहिर की है। नैरोबी के क्लिकर वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में पिछले महीने हुए हमले की नई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें हमलावरों को बेरहमी से लोगों को मारते देखा जा सकता है। 21 सितंबर की इस फुटेज में हमलावर अंधाधुंध गोलियां बरसाते, कभी रुककर फोन पर बात करते और कभी दुआ करते दिख रहे हैं। शुरुआत में आम लोग हमले से बेखबर खरीदारी करते हुए दिखते हैं, फिर अचानक सबको एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वे भागने लगते हैं। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी सदस्यता ठुकराते हुए कहा कि ये 15 सदस्यीय परिषद वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में अक्षम है। परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों के तौर पर इस देश के चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद उसका ये कदम देखने को मिला है। इससे पहले 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अगले 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया था, जिसमें 187 मतों के साथ लिथुआनिया सबसे अव्वल रहा। अन्य नए चुने गए देशों में नाइजीरिया, चाड, सऊदी अरब शामिल हैं। ये नवनिर्वाचित सदस्य देश अजरबैजान, ग्वेटमाला, मोरक्को, पाकिस्तान तथा टोंगो का स्थान लेंगे। इराक में हिंसा की विभिन्न घटनाओं में 61 लोगों की मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हिंसा की अधिकतर घटनाएं राजधानी बगदाद के आसपास हुई। उत्तरी इराक में मोसुल शहर के पास एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को उड़ा दिया। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इराक में इस साल हुई हिंसा में अब तक 6,000 लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सिर्फ सितंबर महीने में ही 1,000 लोग मारे गए थे, जबकि 2,000 लोग घायल हुए थे।